सीनियर सिटीजन है, उनके अंशुमान कार्ड बनाए जा रहे हैं। यहाँ आते हैं, अपने डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो ना अंशुमान कार्ड बनता है और ना ही लिस्ट में नाम है। अब 70 साल से मैं रह रहा हूँ फरीदाबाद में, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। बताओ, लिस्ट में नाम नहीं है। नाम नहीं है। अब उसके लिए हम प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे, तब वो हमारा आयुष्मान कार्ड बनाएगा। ये तो हमारी गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की कोरी घोषणा है, कोरी। कोई इलाज नहीं, कोई कुछ नहीं, और सरकारी दफ्तरों में कहीं भी चले जाओ तो कोई सुनने। मंत्री जी कहते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के काम हो रहे हैं आजकल, तो सब बुजुर्ग करके अखबार कर रहे हैं। अब ये बता, बल्लमगढ़ के 100 रुपए यहाँ तक के लगते हैं, हैं 70 रुपए। अब ये बता, दवाई तो दे नहीं रहे, अब सारी बाहर के लिख दी है, 2 दे दी दवाई इन्होंने। अब ये बता, बाहर से अगर हम लेते तो यहीं क्यों आते, तो प्राइवेट में नहीं दिखाते। अब इनका अगले साल का डाल दिया है, अब इन्होंने अगले साल का वो डाल। क्या लग रहा है अब, इलेक्शन आ रहा है, अब क्या लग रहा है बताओ। मरीज तो परेशान हो रहे हैं, अब ये बताओ कैसे करें हम। प्राइवेट में हम लेते तो फिर बताइए, महिलाओं के लिए सिलेंडर सस्ता कर दिया, कहाँ कर दिया है सस्ता, कहाँ हुआ है सस्ता, ऐलान कर दिया है, ऐलान कर दिया। हमने तो कल ही आया है सिलेंडर, कहाँ हुआ है सस्ता, इलेक्शन के बाद है। अब ये महिला बिचारी कितनी परेशान है बताओ, नहीं कर सकती है, वो सिर्फ कोरी बातें करती है। और मेरे पास तो बहुत कुछ कहने के लिए, खट्टर सरदार ने 3 ऐसे अध्यादेश निकाले हैं जो पब्लिक के लिए एक नासूर है। क्या है? ऑनलाइन सिस्टम और आपका परिवार आईडी। तीसरा, ये जो खोल दिए हैं कुकुर मुक्ते की तरह साइबर कैफे, उनको खुली छूट ले दे रखी है, तुम जितना जनता को लूट सकते हो लूट लो। ऑनलाइन के नाम पे कहते हैं प्रोसेस इजी कर दिया है, पब्लिक के लिए काम आसान कर दिया, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। क्या फ्री कर दिया सरकार, कहते हैं इसी कोई फ्री नहीं है, आज भी मतलब आज भी रिश्वत देनी पड़ती है। बिल्कुल पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी काम आप कराओगे 100-200 उसको दोगे तभी तो कोई काम होगा, नहीं तो होगा नहीं, आप बताइए है कि नहीं। दावे झूठे हैं, बिना खर्ची टोटल 100% झूठे दावे।